अब चलते हैं इसकी आवाज की। सो गाइस यही था हमारा आज का पहला। सो गाइज व्हाट्स अप एवरीबॉडी, फ्रॉम मिस्टर जैन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज तो आज की वीडियो हम क्या बात करने वाले हैं, आज की वीडियो हम फिर से आ चुके हैं अपनी प्यारी बाइक्स के पास, बाइक्स के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे पास फिर से कंटेंट लेके आ चुके हैं जसनीत भैया, काफ़ी सारा काफ़ी हद तक बाइक्स लेके आए हैं आज। तो आज होगी वीडियो पूरे लॉट की, सारी बाइक होगी वो खड़े भैया अपने। तो भैया से जाके जल्दी से मिलते हैं, फिर बात करेंगे आगे फर्दर की हमें कौन सी बाइक दिखानी है, कौन सी बाइक नहीं दिखानी है आज। बाकी होप करता हूँ जितना हो सके उतनी ज़्यादा वीडियो दिखा पाएंगे। ये खड़े हमारे भैया, चलते हैं भैया के पास, तो लेट्स गो। सो गाइस पहले भैया से मिलाने के बाद पहले आपको एक बार एक लुक में सारा स्टॉक दिखा देता हूँ, कितना स्टॉक पड़ा है हमारे पास। इस साइड बाइक्स देख सकते हो, इस साइड बाइक देख सकते हो, यहाँ भी बाइक्स खड़ी हैं, कावासाकी का काफ़ी हद तक स्टॉक आ चुका है। तो अब चलते हैं भैया के पास। तो भैया, अरे आज ईद का चांद से आ चुके हैं, चांद मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स आज आए हैं फिर से सरस्वती मोटर्स के धन भाग हमारे। पहले हम माइक दे देते हैं भैया को, माइक मेरे को दे दो क्योंकि अब चैनल में दिक्कत आई है, अब चैनल मेरा हो गया ना, टेक ओवर हो गया। सो भैया बहुत टाइम से वैसे भी डिमांड आ रही थी सारी बाइक्स को लेके कि सारी बाइक दिखाओ सारी बाइक दिखाओ, तो आज जरा भैया ने खुद ही बोल दिया कि चलो सारी बाइक्स दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्टॉक अब बहुत सारी नई बाइक्स आई हैं, काफी कुछ नया मेरे पास आया है। एंड मोर ओवर सबसे पहली बात, थैंक यू ऑल, तू तो आता रहता है, थैंक यू ऑल एवरी वन। सो वेल गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका तहे दिल से शुक्रिया है, एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू यू ऑल फॉर इतनी सारी जो आप मेरे को कमेंट्स करते हो, इज्जत देते हो, सपोर्ट करते हो अबव ऑल। सो आई एम रियली ग्लैड कि अर्जुन एक जरिया बना, मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स एक जरिया बना मैं आप तक पहुँचने का। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो आपका भाई आगे बढ़ता रहेगा, लाता रहूँगा। तो एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि अर्जुन जो है, अर्जुन थोड़ा सा लेजी हो गया, सो डोंट माइंड ऑन दैट, बड़े सारे कस्टमर आते जाते रहते हैं। 5 दिन बाद आया हूँ, कम से कम 11-12 बाइकें नहीं आ चुकी हैं। अब ये कह रहा था भैया इसकी बनाते हैं उसी। सो गाइस फर्दर बात करते हैं भैया से, बीच में थोड़ा सा क्लिप कट ऑफ हो गया था तो हमने डिवाइस ही चेंज कर दिया है। तो गाइस अभी आपको गेस करना है डिवाइस हमने कौन सा चेंज करा है, क्योंकि ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी हो गई होगी, साफ सीधी बात है। बिल्कुल, अब ऑडियो का पता नहीं कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा ऊँची बोलने की कोशिश करूँगा बहुत। सो वेल गाइस, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, एंड वी आर प्लानिंग टू मेक इट इन पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2, हो सकता है शायद पार्ट 3 भी आ जाए। सो स्टे ट्यून्ड, आज के वीडियो के अंदर जैसे कि अर्जुन ने आपको बताया, मैं आपको बता रहा था कि बड़ी सारी बाइक्स हैं, कह रहा था भैया ये वो ये, तो व्हाट आई सजेस्टेड इज कि लेट्स मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑफ माय स्टॉक जो भी बाइक्स ऊपर नहीं आई है। तो बस शुरुआत करते हैं, ऐसी सपोर्ट करते रहो, ऐसी प्यार देते रहो, एंड आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग न्यू बाइक्स फॉर यू। सो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, एंड आवाज़ सुनाऊंगा सारी बाइक्स की, कोशिश रहेगी कि सबकी सुनाऊँ, और बड़ी मस्त बाइक्स आई है मेरे पास, बड़ी ही अच्छी कंडीशन और अच्छी क्वालिटी की बाइक्स आई हैं। सो लेट्स डू इट गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, एंड ये आवाज़ बड़ी बोलो बैकग्राउंड नॉइज, इस पे चलान होना चाहिए, चलान कटना चला इरिटेट करता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, एंड आई विल कीप ऑन शोइंग न्यू बाइक्स। सो गाइस इस वीडियो के अंदर सबसे पहली बाइक जो होने जा रही है, एक छोटे सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्टिंग विद कावासाकी। तो ये जो बाइक आप देख रहे हो, दिस इज नेक्स्ट टू मी स्टैंडिंग कावासाकी की निंजा 300, 300 सीसी के अंदर सबसे मज़ेदार बाइक है, पैरेलल ट्विन इंजन है, दोनों पिस्टन साथ में चलते हैं, पैरेलल ट्विन है, मस्त चलती है बाइक। इसके अंदर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज की अगर बात करी जाए, उसमें लिवर्स लगे हुए हैं, दीज लिवर्स यार ये जो है ये एडजस्टेबल है, इसको एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, जैसे गिर जाए तो लिवर्स आर फोल्डेबल। एंड वैसे मेरे को समझ नहीं आया फोल्ड का काम, इसका काम ये है कि जैसे अगर बाइक गिर जाए तो सबसे पहले बाइक के अंदर लिवर टूटता है। अच्छा, तो ये फोल्ड हो जाता होगा, तो अगर ये गिरेगी तो ये लिवर फोल्ड हो जाएगा, टूटेगा ये लिवर फोल्ड हो जाएगा। मोर ओवर इसका आप साइज भी एडजस्ट कर सकते हो, ये लंबा भी हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा, अप टू योर, आपको जैसे पसंद है वैसे उसको कर सकते हो, एडजस्टेबल फोल्डेबल एंड एक्सटेंडेबल लिवर। मोर ओवर इसके अंदर लगा हुआ है आपका तो उसका एक कस्टम एग्जॉस्ट है, बट इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी, कोई वेल्डिंग वाला चक्कर नहीं है, ये स्लिप ऑन है, ये स्लिप ऑन जो आप देख सकते हो, स्प्रिंग्स लगे हुए हैं बाकायदा, बेंड पाइप के साथ स्लिप ऑन लगा हुआ है। आप ये क्लैंप खोलोगे एंड ये पिन अपना ये स्प्रिंग्स हटाओगे, एग्जॉस्ट विल कम आउट, कोई जुगाड़बाजी नहीं है, दिस इज दी एग्जॉस्ट और निंजा 300। उसके अलावा छोटे मोटे स्पूल्स लगे हुए हैं पीछे। रेस्ट जो बाइक है ये 2017 मॉडल की है, KRT एडिशन है,
8000 कुछ चल चुकी है। आपको मैं ऑटो दिखा देता हूँ, देख लो एक बार। आवाज भी सुना ना? हाँ, सॉरी, दिस इज 8149 किलोमीटर्स ड्रिवन, सिंगल ओनर बाइक है, 17 मैन्युफैक्चर्ड, 17 रजिस्टर्ड। अब चलते हैं इसकी आवाज की। ये जो बाइक है दोस्तों, ये आपको मिल जाएगी फॉर 2,40,000, विच इज अगेन नेगोशिएबल ऑन द टेबल। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगी टेबल पे बैठ के, और सर्विस रिकॉर्ड के साथ है, दूसरी चाबी मिल जाएगी, आप बाइक कंपनी जाकर चेक भी कर सकते हो। बाइक इज इन प्रिस्टीन कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, वी आर स्टिकिंग टू कावासाकी। तो कावासाकी की एक लास्ट वीडियो में मैंने एक चैनल पर बनाई थी, उसके लिए Z250 बड़ी फेमस हुई थी। तो गाइज, ये जो बाइक है, दिस इज Z650। जी सीरीज में 650 cc भी आती है, 250 भी आती है। आई नो मोस्ट ऑफ द गाइज विल बी कन्फ्यूज कि ये कहाँ कहाँ से भैया क्या क्या लेके आ रहे हैं। सो दिस इज कावासाकी Z650। जी सीरीज के अंदर अब शुरुआत हुई है, तो आपको सारी जी सीरीज दिखाऊंगा मेरे पास जो जो है। तो 650 cc के अंदर जो ये बाइक है दोस्तों, दिस इज अ ट्विन सिलेंडर मशीन। ये ट्विन सिलेंडर बाइक है, और ट्रस्ट मी, बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि हल्की बहुत है। दिस इज सच अ लाइट वेट मशीन कि आई कैन नॉट इवन, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ कितना मजा आएगा उसको चलाने में। हेलो, ये जो बाइक है, दिस इज स्ट्रेटली डिराइव्ड फ्रॉम Z900। बहुत सारी सिमिलैरिटीज है इसके अंदर और Z900 के अंदर, एंड दे ऑलमोस्ट शेयर द सेम कलर स्कीम ऑल्सो। मेरे पास ये Z650 कलर स्कीम आप देख रहे हो, पीछे वो Z900 खड़ी है इन द सेम कलर स्कीम। दोनों का कलर स्कीम ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। और ये जो बाइक है दोस्तों, दिस इज 2018 नवंबर, और सिर्फ 1900 किलोमीटर चली है, ओनली 1900 किलोमीटर ड्रिवन, ब्रांड न्यू बाइक, 2018 नवंबर की है, लगभग लगा लो पूरा साल होने को जा रहा है। तो दिस इज इन एब्सोल्यूटली प्रिस्टीन कंडीशन। आफ्टर मार्केट एसेसरीज की बात करें तो इसमें एक छोटा सा टैंक पैड लगा हुआ है, और इसके अंदर लगा हुआ है नीचे एग्जॉस्ट, आक्रोपोविच का एग्जॉस्ट है, अंडरबेली आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। चलिए, ये कस्टम एग्जॉस्ट है, मैं खुद बता देता हूँ, दिस इज नॉट ओरिजिनल, दिस इज अ कस्टम रेप्लिका, फर्स्ट कॉपी एग्जॉस्ट है, बट इट इज ऑफ गुड क्वालिटी। चलिए आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ स्टार्ट करके। इसका डैश भी जो है दोस्तों, ये जो डैश है इसका, दिस इज एंटायरली डिराइव्ड फ्रॉम Z900। तो ये सेम Z900 जैसा लगता है। अब आप देख सकते हो ये 1900 किलोमीटर चली हुई है लगभग, 1902। तो चलिए इसको फायर अप करते हैं, प्लीज इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको, लेट्स फायर इट अप। This is the bike, only 1900 kilometers driven. मस्त बाइक है, मज़ेदार है, एकदम स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। इसका जो प्राइस है, जो प्राइस रखा हुआ है, दैट इज 4,70,000, 4,70,000 रुपये, विच इज़ नेगोशियबल ओवर द टेबल। तो जी सीरीज की शुरुआत करी है, तो Z650 के बाद जो नेक्स्ट आती है, दैट इज़ द मोस्ट आइकॉनिक, मतलब यूट्यूबर्स का प्यार है और बड़े सारे यूट्यूबर्स के पास है भी, दैट इज़ योर कावासाकी Z800। अब ये जो कलर स्कीम है, ये मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है, द चेरी एंड ब्लैक कलर स्कीम। ये एक्चुअली 2016 में ही आया था, 15-16 में आया था, इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, लिमिटेड नंबर्स आए थे, और मज़ेदार कलर स्कीम है। कावासाकी इज़ ऑल अबाउट ब्लैक एंड ग्रीन, ये ग्रीन की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं। सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये 2016 मैनुफैक्चर है, 16 रजिस्टर्ड है। बाइक की एक बार ओवरऑल लुक देखिए आप, बहुत ही अच्छी लुक है, इट्स अ वेरी वेल केप्ट मशीन, साफ सुथरी, एकदम मज़ेदार बाइक है। आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज की अगर बात करी जाए, तो उसमें ये फ्रंट काउट लगा हुआ है, आपको स्टॉक वाला भी साथ में मिल जाएगा। RNG की आप ग्रिल देख सकते हो, ये ग्रिल लगी हुई है Z800 की। RNG के क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है इसका रेस फिट का ओरिजिनल टाइटेनियम एग्जॉस्ट। सो हैव अ लुक गाइस, दिस इज ओरिजिनल टाइटेनियम, नीचे से रंग बदलने लग गया अपने। ये टाइटेनियम की पहचान होती है कि ये इट स्टार्ट्स चेंजिंग इट्स कलर, ये थोड़ा सा ब्लू होता जाता है, एज सून एज प्रोलॉन्गिंग यूज के साथ साथ ये ब्लू होता है। तो दिस इज ओरिजिनल टाइटेनियम का रेस फिट एग्जॉस्ट। उसके अलावा इसके अंदर छोटा मोटा सामान, LEDs वगैरह लगी हुई है, पीछे टेल टाइडी लगी हुई है, छोटा मोटा सामान और है,
एंड दिस बाइक हैज़ बीन जेन्युइनली ड्रिवन ओनली 13,000 किलोमीटर्स। आपको डैश दिखा रहा हूँ, बाइक देखिए 13,354 किलोमीटर चली हुई है। सर्विस रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, दूसरी चाबी इस ब्रांड न्यू अनयूज़ है वो आपको मिल जाएगी, स्टॉक टेल मिल जाएगी आपको, साथ में स्टॉक वाइजर मिल जाएगा, काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और बाइक की कंडीशन, टैंक देखो, सब कुछ देखो, कंडीशन देखो ऐसे। थोड़ी मिट्टी ज़्यादा है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है आफ्टर दिवाली, यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, बहुत डेंस पोल्यूशन है, सो डोंट माइंड, देख सकते हो दिल्ली की हालत ख़राब है, इस चीज़ को मैं रोक सकता हूँ। बाइक आपको मिलेगी एकदम क्लीन मिलेगी। चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपको इसकी आवाज़ कैसी लगी, ओवरऑल बाइक कैसी लगी। इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस हम रखा हुआ है दैट इज 6,40,000, 6,40,000 रुपये है, विच इज़ अगेन नेगोशिएबल ऑन द टेबल। बाइक इज इन एब्सोल्युटली प्रिस्टीन कंडीशन, सिंगल ओनर बाइक, सिंगल ओनर HH26 गुड़गांव रजिस्टर्ड है, फाइनेंस भी हो जाएगा, सो एंड प्राइस भी नेगोशिएबल है। सो हरी अप एंड कैच दिस पीस, आओ चलते नेक्स्ट बाइक के ऊपर। तो गाइस जी 800 के बाद जो नेक्स्ट आती है लाइन के, इस लाइन के अंदर दैट इज योर Z900, और 900 के बाद एवरीवन नोज इट्स योर Z1000 द माइटी सुगोमी। अब दोनों बाइक्स आपको दिखाऊंगा, ये सामने खड़ी है मेरे, एक कंपैरिजन हो जाएगा Z900 और 1000 के बीच में। काफ़ी लोगों को सेम लगती है लेकिन जो डिफरेंस है वो ज़मीन और आसमान का है। ज़मीन और आसमान का मतलब ज़मीन और आसमान हर चीज़ में, पावर ले लो, हैंडलिंग ले लो, और लुक्स ले लो, कुछ भी, वट एवर यू नेम इट, वो फ़र्क इसके अंदर है। तो आइए पहले एक बार Z900 की बात करते हैं। ये जो बाइक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्टीन कंडीशन एंड अ वेरी वेल मेंटेन बाइक। इसके अंदर लेक्सटेक का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है। लुक एट दोज ब्यूटीफुल पाइप्स, ये इतना ब्यूटीफुल लगता है एग्जॉस्ट चलते हुए, अगर आप सामने से इसकी लुक देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे को पर्सनली बड़ा पसंद आया। मोर ओवर इसके अंदर क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, आपके रेडिएटर भी लगी हुई है, आगे फोक प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, एंड छोटा मोटा टैंक ग्रिप्स, टैंक पैड, ये सब इसमें लगा हुआ है। दिल्ली रजिस्टर्ड बाइक है और 2018 मैन्युफैक्चर है और 19 की रजिस्ट्रेशन है, तो ये 2019 की ही बाइक है दोस्तों। और इसकी खास बात ये है कि चली है सिर्फ और सिर्फ 3500 किलोमीटर, 3479 किलोमीटर्स ओनली। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बाइक, सिर्फ 3500 किलोमीटर चली, 3500 तो पूरी नहीं चली है। ये बाइक आपको मिल रही है सरस्वती मोटर्स के ऊपर और फुली लोडेड है, काफ़ी सामान लगा हुआ है इसके अंदर, ये सारी चीज़ ज़रूरी हैं। और लेक्सटेक का एग्जॉस्ट तो आवाज़ तो सुनी बनती है। तो चलिए नेक्स्ट फायर दिस थिंग आपको इसके बाद सुनाता हूँ। लेक्सटेक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, इसकी आवाज़ आपको कैसी लगी लेक्सटेक एग्जॉस्ट की ऑन Z900, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ट्रस्ट मी, आवाज़ जो शायद फ़ोन में सुनाई देती है वो जस्टिस नहीं कर पाती है जो रियल लाइफ में इसकी आवाज़ है। पॉप्स एंड क्रैकल्स जैसे आग निकलती है, मज़ेदार सी मस्त लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। सो दिस इज़ Z900 2019 की बाइक है, ये आपको मिल जाएगी हमारे यहाँ पे और 7,75,000, विच इज़ अगेन नेगोशिएबल ओनली ओवर द टेबल। और सारा स्टॉक सामान आपको साथ में दूंगा, दूसरी चाबी, सर्विस मैनुअल, फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल अलॉन्ग विद द बाइक। इसी के साथ चलते हैं जो दूसरी खड़ी हुई है इसके साथ, एक बड़ी लुक देख लो आगे से दोनों की, डेविल लुक, क्या कहने हैं। दिस इज Z900, दिस इज Z1000, साल भर हो गए इस बाइक को एंड मेरे पास ये बाइक आज 3-4 महीने से है। पर्सनली मैं इसको चला रहा हूँ, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, इसके जैसी बाइक नहीं है
इसके जैसी बाइक कोई नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है। और गाइस इस बाइक की जो आवाज़ है ना, वो मतलब माइक डिस्ट्रॉय कर सकती है लिटरली, वो कुछ भी, वो आपकी जिंदगी भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। दिस इज सो लाउड एंड दिस इज सच एन अमेजिंग मशीन। अब बेसिक डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में है वो है, एक जो मेन चीज़ है वो है CKD और CBU का। अब जिनको CKD CBU नहीं पता तो मैं आपको छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। CKD मतलब कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट। कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट का मतलब कि ये जो बाइक है 800 900, बेसिकली 900, ये पार्ट्स में आती है जापान से, कावासाकी से, और यहाँ पे असेंबल करी जाती है। मतलब यहाँ पे बनती है, यहाँ पे इसको बनाया जाता है, पार्ट्स वगैरह सब जापान के होते हैं। उससे क्या होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी कम पड़ती है तो बाइक सस्ती मिलती है। और रही बात Z1000 की, ये ऑन ऑर्डर स्पेशली आपके लिए ही, अगर आप इसको लेते हो, बुक करते हो, तो आपके लिए ये स्पेशली कावासाकी जापान में ये बनती है। वहीं पे बाइक रेडी होती है, वहीं पे इसकी टेस्टिंग होती है, सब कुछ वहीं पे होता है। पूरी एक CBU कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, एक पूरा कंप्लीट यूनिट, जब ये पूरी बाइक रेडी हो जाती है, बन जाती है, तब इसको बड़े से क्रेट के अंदर अच्छे से पैक कुक करके मस्ती से कावासाकी कंपनी आपको दिल्ली में भेजती है, इंडिया में भेजती है। तो ये फ़र्क है CBU और CKD का। लेकिन ड्रॉबैक क्या है CBU का, कि वो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा पड़ती है, इंडिया में टैक्स काफ़ी हाई है, तो ये बाइक थोड़ी एक्सपेंसिव है। और बेसिक फ़र्क अगर प्राइस का करा जाए तो ये पड़ती है लगभग 8,60,000 रुपये की नई बाइक, ऑन रोड स्टॉक बाइक। और ये जो है दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो है 16 लाख रुपये, 16 लाख रुपीज़। कुछ डिस्काउंट भी चलता है कावासाकी पे। इसका जो बिना मेरे पास वो है 15 लाख 25 हज़ार का, जो इस स्पेसिफिकली इस Z1000 का है। तो इतना प्राइस का फ़र्क है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में जाओगे या अगर ट्रैक पर्पस के लिए लेते हो तो मोस्टली लोग CBU पसंद करते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दी गुड बिल्ड क्वालिटी। तो क्वालिटी का फैक्टर कहीं ना कहीं आता है, दैट्स वाई यू गेट व्हाट यू पे, बस यही बात है। तो बस वही चीज़ है, CBU CKD का फर्क है, तभी प्राइस के साथ फर्क है। सो गाइस, यही था हमारा आज का पहला पार्ट अपनी इस वाली वीडियो का, जिस पर हम खत्म कर रहे हैं जी सीरीज के ऊपर, क्योंकि हम पांच छह बाइक दिखा दी है। जी सीरीज दिखा दी आपको, सारी जी सीरीज दिखा दी, और एक स्टार्टिंग में छोटी सी कावासाकी का छोटा पैकेट भी दिखाया था, जाटो जी और निंजा 300, तो वो भी आपको मैंने दिखा दी है। दिस इज दी पार्ट वन। अब ज्यादा लंबी ना हूँ इसीलिए वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी पार्ट टू। हमें पता है क्या, बोर तो नहीं होते, बोर्ड नहीं है के साथ, मैं बोर्ड तो थोड़ा ज्यादा हूँ, नॉलेज का भंडार थोड़ा ज्यादा है। एंड मेरे को तो यही सिखाया मेरे स्कूल में और सबने की नॉलेज इज दैट थिंग जो शेयर करने से और बढ़ती है, नॉलेज इज दैट ट्रेजर जो शेयर करने से बढ़ता है। दैट्स ऑल आई, दैट्स ऑल व्हाट आई वांट ऑन YouTube। थोड़ी बहुत जितनी मेरे को इतनी सी नॉलेज है उतनी मैं आपसे शेयर करता रहूँ, इतनी सी। मेरे से भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं यार, तो एटलीस्ट नॉलेज है, नहीं है, गॉड नोज, जो भी है मेरे को जितनी है मैं उतनी शेयर करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ। एंड वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स पार्ट टू, जिसके अंदर आपको दिखाऊंगा हार्ली डेविडसन। सो पार्ट टू इज गोना बी ऑल अबाउट हार्लीज, मेरे पास जो जो हार्लीज है। हम खुद ही चाहते हैं कि हमारे पास वैराइटीज ऑफ वीडियो दो, जिसको आपको खुद ही आइडेंटिफाई करवाओ कि इसके अंदर ये बाइक्स है, इसके अंदर ये बाइक्स है। बाकी अगर आप कुछ स्पेशल वीडियो चाहते हो किसी एक स्पेसिफिक बाइक के ऊपर, फील फ्री टू कमेंट अर्जुन के चैनल पर, मिस्ट्री पर ब्लॉग्स पर आप कमेंट करो। और वीडियो में इतना आगे आ गए हो तो सबसे पहले नीचे जाके वीडियो को लाइक कर लो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, द मेन थिंग। मिस्टी बॉय ब्लॉग सब्सक्राइब कर लो, ऐसा वीडियो कंटेंट आप रोज रोज देखना चाहते हो, अर्जुन रोज आएगा मेरे पास वीडियो बनाने। सो ऐसे ही स्टे ट्यून्ड रहना चाहते हो तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक, जहां जहां है हर जगह, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में सबको अवेलेबल है। बिल्कुल जी, यहां आसपास कहीं पे डाल देगा, अगर इसको रेटिंग कर लेगा तो डाल देगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। आई एम जसनीत और सुपर बाइक पर सरस्वती मोटर्स बोथ ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, आप दोनों जगह पर देख सकते हो। सो थैंक यू गाइस, कीप लविंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग, द मेन थिंग। टिल देन सी यू, टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज मिस्टर वॉक्स साइनिंग ऑफ, सिंग सुपर बाइक पर सरस्वती मोटर्स, टिल देन बाय।